हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जून का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मई जून में गर्मी अधिक पड़ती है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे 5 से 6 फूलों के नाम बताएंगे जिसको कि आप लगा सकते हैं, या तो आप इनके खुद ही प्लांट तैयार कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से इनके तैयार प्लांट भी ला सकते हैं। और इसमें अगर आप इन प्लांटों को लगाते हैं तो इन प्लांटों में गर्मी के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत अधिक फूल लगते हैं, जिससे कि आप इसको जहाँ भी लगा देंगे वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपको देखने में भी बहुत क्रिएटिव लगेंगे। तो चलिए आपको आज हम सिखाते हैं कि कौन कौन से वो प्लांट हैं जो आप लगा कर और उनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग पा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है पोटला या गुलेसुमा का प्लांट। ये कटिंग से जल्दी ग्रो होता है। इसे जो है 10 बजिया, कहीं कहीं से 9 बजिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई कलर के फूल आते हैं, ये कई कई वैरायटी के आते हैं और आप इसे छोटे गमले में आसानी से लगा सकते हैं। और आप चाहें आप अपने एक गमले में कई कलर के प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके पोटला के प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से चल जाते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लगाया हुआ है 2 कलर का गुलेसमा, जो है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, वाइट और एक दूसरे कलर का है इसमें। सेकेंड नंबर पर आता है बोगनवेलिया का प्लांट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बोगनवेलिया का प्लांट बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। आप भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसको लगाने का सही समय जो है अभी जून से जुलाई का चल रहा है। तो इसकी लगभग जो इस प्लांट की जो वैरायटी है ये 60+ वैरायटी में आता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर पाए जाते हैं। अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, तो आप या तो आप फिर नर्सरी से इसको लाकर अपने गमले या ज़मीन में इसको प्लांट कर सकते हैं। ये डिफरेंट वैरायटी में आता है। थर्ड नंबर पर आता है सदाबहार का प्लांट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम सदाबहार क्यों है। तो ये सदाबहार देने वाला, यानी कि साल भर फ्लावरिंग देगा ये। और ये प्लांट भी बीज और कटिंग दोनों से ही ग्रो हो सकता है। और इस ये कई सारी वैरायटी, या इसमें डिफरेंट कह सकते हैं कि फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर के कई सारी वैरायटी आती हैं इसमें। इसको धूप अधिक प्रिय होती है, तो इसे ज़्यादातर धूप में आप धूप वाले स्थान पर लगा सकते हैं और इसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये आसानी से ग्रो भी हो जाता है और देखने में बहुत ही क्रिएटिव लगते हैं इसके फ्लावर। और आप इनको घर में आसानी इजी तरीके से पॉट वगैरह में लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा गुलाब, जो कि समर सीज़न में और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता है, जैसे कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए जो हमें प्रॉपर, यानी कि नमी इसके ज़मीन में बनी रहनी चाहिए, अगर आप पॉट में भी लगा रहे हैं तो इसमें मॉइस्चर बना रहे और ये अच्छी तरीके से चल भी जाता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी या कलर कह सकते हैं आता है इसमें। और ये देसी भी आता है और एक हाइब्रिड भी होता है। ये देसी गुलाब है और ये हाइब्रिड गुलाब में भी आता है। इसके कई सारे कलर हैं, हम आपको स्क्रीन पर शो भी कर देंगे। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास पीला भी है, अदर कलर भी हैं। तो आप इसको भी आप अपने घर या पॉट में लगा सकते हैं। तो ये समर के सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और साथ ही साथ इसके फूल आप लोग जानते हैं बहुत ही क्रिएटिव लगते हैं। 5 नंबर पर आता है हमारा जैस्मिन का प्लांट। जैस्मिन का प्लांट अधिकतर जो है देखा गया है कि गर्मियों के सीज़न या समर सीज़न जिसे कहते हैं, उसी में सबसे अच्छी फ्लावरिंग जो देता है वो इसी टाइम देता है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस प्लांट में बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी फ्लावरिंग आई हुई है
और ये समर सीजन में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप इसको ग्रो करने के लिए आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, इस पर ग्राफ्टिंग भी इसकी लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग करके प्लांट पर उसको भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अधिक फूल देता है समर सीजन में। 6 नंबर पर हमारा आता है हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस प्लांट या फिर इसे गुड़हल भी कहते हैं। गुड़हल का प्लांट कटिंग से बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है और इसके जो फ्लावरिंग आती है वो जून जुलाई में बहुत ही अधिक इसमें फ्लावरिंग आती है। और इसके कई सारे कलर में आता है, जैसा कि आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कई सारे कलरों में ये आता है जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको भी आप लगा सकते हैं गर्मियों में फूल के लिए आप। 7 नंबर पर हमारा आता है मैरीगोल्ड या फिर जिसे हम गेंदा कहते हैं। इसमें कई सारी कलर की आती हैं, इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं। और इस प्लांट का आप या तो पॉट में आप घर के लिए या फिर इसकी जो कॉमर्शियल रूप में इसकी फार्मिंग की जाती है उसमें भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है अपना, और देखने भी बहुत अच्छे इसके फूल लगते हैं। और इसको देखभाल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं इसको तो आपको गर्मियों में इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा कि धूप, हल्की धूप आए, ज़्यादा अगर धूप आएगी तो ये पौधा डेड हो सकता है। अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो गर्मियों में इसको पर डे मॉइस्चर की आवश्यकता पड़ेगी, पानी आपको देना पड़ेगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।